आइए मैं प्रशांत जी को आमंत्रित करता हूं। श्री प्रशांत सिंह जी बहुत अच्छा पढ़ते हैं और वो जरूर पढ़ेंगे जिसमें बनारस सब छुपा हुआ है, कैसे कैसे पढ़ते हैं बहुत अच्छा, उसको लोग जहां आप पढ़ते हैं वहां लोग पसंद करते हैं और फरमाइश भी करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्रशांत सिंह जी को। भैया दिक्कत है, बस वही यादें हैं हमको। और बाबूजी आए हैं, इनको पिताजी कहना मुझे अच्छा नहीं लगा, इनको बड़ा भाई बताया होता तो अच्छा लगता है, बाबूजी भी खुश रहते। हम हमेशा कहते हैं कि ये दमदार भाई के बड़े भाई हैं, तो दोनों दमदार हैं। भैया ने कुछ बोला था तो काशी की धरती पे हूँ भाई। ऐसा है, जिनका बेटा दमदार हो पिता तो ऐसे ही दमदार हो गया। मैं एक बहुत ही ऐतिहासिक संस्था पे बैठा हूँ, संस्था ये जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ बंगाली टोला में और सी मैंगलो बंगाली में, मैं सेंट हिंदू बॉय स्कूल में पढ़ाता हूँ। आज मुझे कुछ एक अलग ढंग की रचना पढ़ने की इच्छा हो रही है और मैं इजाजत चाहूँगा। कलम के सिपाही हम लोग हैं, एक रचना मैं सुनाता हूँ। शब्द कभी छंद कभी गीत लिखा मैंने, शब्द कभी छंद कभी गीत लिखा मैंने, भाव कभी द्वंद कभी प्रीत लिखा मैंने, पीढ़ियों के बीच कभी डोर बनी मैं, इनकलाब खबर कभी शोर बनी मैं। शब्द कभी छंद कभी गीत लिखा मैंने, भाव कभी प्रीत कभी द्वंद लिखा मैंने, पीढ़ियों के बीच कभी डोर बनी मैं, इनकलाब खबर कभी शोर बनी मैं, कख गघ लिख भाग्य लिखा मैंने, तुलसी के हाथों महाकाव्य लिखा मैंने। आज की पीढ़ी मुझको भुला रही है, कलम अपनी पीड़ा आज तुम्हें सुना रही है। कवियों के पास जाकर इतराया मैंने, प्रेमियों का साथ पाकर शर्माया मैंने, मेरे लिखे संविधान गवाही बने हैं, भाव रक्त अश्रु मेरी स्याही बने हैं, आस्था परंपराओं का मैं बीज बेती हूँ और सैनिकों की चिट्ठियां लिख मैं भी रोती हूँ। एसएमएस वाली पीढ़ी मुझे आज भुला रही है, कलम अपनी पीड़ा तुम्हें सुना रही है। देखिए काशी की धरती पे हूँ मैं, एक अपनी रचना सुनाना चाहूंगा जो उन्होंने फरमाइश भी की है कि जहां गालियों में अलंकार मिला है, जहां गालियों में अलंकार मिला है, जहां अखड़पन आधारशिला है, शिवरात्रि की ऐसी रात कहां है, साधुओं के ऐसे ठाट कहां है, मुंह में घुलता एक पान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। वाह 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 वाह। बिस्मिल्ला की शहनाई को देखो, शास्त्री की परछाई को देखो, तुलसी के वो छंद है काफी, हरिश्चंद के मन का द्वंद है काफी, स्वामी करपात्री जैसा ज्ञान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। जहां रामलीला के जीवन पात्र मिलेंगे, घराने विद्वान और लंपट छात्र मिलेंगे, यहां पर तो भांग फांग के हम घर जाते हैं, यहां हम चाय पीकर तर जाते हैं, ऐसे स्वच्छंद साड़ कहां है, ज्ञान का ऐसा विस्तार कहां है, और रिक्शे वालों की वो शान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। एक छोटी सी रचना थी मेरी व्हाट्सएप, वो काफी वायरल हुई थी और वो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा कि माहौल कुछ थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, हर किसी को हम देखते हैं वो व्हाट्सएप में मशगूल रहता है, उस पर मेरी एक रचना है कि वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो पांच मुंह वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन की शाइन भाग गई थी, वो पाक की नियत नहीं सही थी, वो मिर्चा संग नीम से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा, इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, इस स्थिति विश्व का भैया व्हाट्सएप ही कारण होगा। वाह वाह। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखें, वो पृथ्वी पर उल्का पिंड टकराने वाला है, वो परवेज मुशर्रफ ओसामा का साला है, वो प्राइमरी एसएससी भर्ती वाला जी के, वो दक्षिण दिशा की ओर देखना चीके, वो मोदी और केजरीवाल में कौन ज्यादा बढ़िया है, वो कैंसर का इलाज भैया खरा धनिया है, इन वाहियात खबरों का कैसे निवारण होगा, स्थिति विश्व का भैया व्हाट्सएप ही कारण होगा। और
हम आपको ले चलते हैं द्वापर युग में। अगर द्वापर में होता तो क्या होता? तो है तो भैया कि द्वापर में होता तो महाभारत इसी के कारण होता, शिशुपाल और शकुनी का ये सजीव उदाहरण होता, पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता, पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता, मोबाइल छीना जाता न कि अज्ञातवास के लिए कोई जंगल होता, और कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते, कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते, वो 16,000 ग्रुप में ज्वाइन रहते। वाह वाह। और खबरें भैया कैसी फैलती हैं कि कान्हा की डीपी अर्जुन संग दिखी है, वो धृतराष ने दुर्योधन के लिए नई विल लिखी है, वो कर्ण का चरित्र थोड़ा गंदा है, वो शस्त्र ज्ञान जोड़ के लिए एक धंधा है, और कर्ण भैया अछूत है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है, कर्ण अछूत है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है, और एकलव ने द्रोण का फोन ओएलएक्स से लिया है। उस दौर में भी युद्ध का यही कारण होता, और शिशुपाल और शकुनी का सजीव उदाहरण होता, और कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडवों का उद्धार किया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता, पांडव का उद्धार किया होता। समय बहुत कम है भैया, आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ।